स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे दिन ब दिन नई नई अपडेट दे रहा है, नई नई फैसिलिटी रेल यात्रियों के लिए चालू कर रहा है। रेलवे खुद सोचता है जितना हो सके हम मतलब यात्रियों को और सुविधा दे सके दोस्तों, इसलिए उसको जहाँ जरूरत पड़ रही वहाँ यात्रियों की फैसिलिटी के लिए ही वो ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो फाइनली दोस्तों अभी तक आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते थे और ऑफलाइन टिकट बुक करने के लिए आप नज़दीकी PRS काउंटर पर जाते थे या फिर जगह जगह जो सेंटर खोल के बैठा था उसके यहाँ जाते थे। लेकिन दोस्तों रेलवे ने एक नया फैसिलिटी ला दी, अब आप नज़दीकी डाकघरों पर, जहाँ दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस आता है इंडियन पोस्ट, वहाँ पर भी आप टिकट निकलवा सकेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, रेलवे ने तैयारी पूरी तरह से कर ली है। रेलवे का ये कहना है कि बहुत से डाकघरों में ये फैसिलिटी चालू कर दी गई है, उसके लिए एक अलग से काउंटर खोला गया है जहाँ पे जो डाकघर के वर्कर हैं उनको ही दोस्तों प्रशिक्षित किया गया है, वही आपको टिकट निकाल के देंगे। और रेलवे ने दोस्तों ये भी बोला है कि जो टिकट की प्राइस, मतलब रेलवे ने ये साफ साफ किया है कि आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो भी प्रिंट छप के आएगा आपको केवल उतना ही पे करना रहेगा। डाकघर दोस्तों और IRCTC के बीच में करार हुआ है और दोस्तों उन्होंने एक मतलब कि IRCTC डाकघर को एक यूज़र ID पासपोर्ट देगा, उसके थ्रू टिकट निकाल के लोगों को दे सकेंगे। हालांकि दोस्तों रेलवे ने अभी ये नहीं क्लियर किया है कि जो मतलब जो बेसिक प्राइस रहती है उतने का ही प्रिंट छप के आएगा या फिर कुछ अलग से, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं स्लीपर में 30 रुपीज़ लेते हैं या 15 रुपीज़ लेते हैं, ऐसे करके उसमें अलग से प्रिंट छप के आएगा। हालाँकि रेलवे ने क्लियर नहीं किया है। और यहाँ तक कि दोस्तों रेलवे ने ये बोला है कि इस बार जो डाक दिवस के अवसर पे था, टोटल बहुत से जगह पे फैसिलिटी ऑन कर दी गई है और बहुत से जगह पे फैसिलिटी ऑन नहीं की है। तो दोस्तों आपके सिटी में ये फैसिलिटी ऑन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए आपको एक नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे जाना पड़ेगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे दोस्तों आप जाके पता कर सकते हैं। दोस्तों काउंटर पे क्राउड कम करने के लिए फैसिलिटी दी गई है। हालांकि रेलवे ने ये बोला कि यहाँ आपको तत्काल टिकट भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं क्लियर किया है कि तत्काल टिकट हमें 11 बजे ही मिलेगा, 10 बजे ही मिलेगा, या फिर जो एजेंट का टाइम अलग से दिया जाता है उस टाइम पे बुक होगा, ऐसा उन्होंने कोई क्लियर नहीं किया है। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आती है तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों रेल यात्रियों को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे घर से स्टेशन बहुत दूर रहता है अगर हमको ऑफलाइन टिकट निकालना होता है, लेकिन डाकघर जो पोस्ट ऑफिस होता है बहुत नज़दीक होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वहाँ पर भी ये टिकट निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन रेलवे की तरफ से भी फैसिलिटी ऑन कर दी गई है, तो मैं आशा करता हूँ आप इसका पूरा प्रॉफिट लेंगे। हालांकि दोस्तों रेलवे ने ये बोला कि बहुत जल्द हम इसमें हवाई जहाज़ की टिकट बुकिंग की भी फैसिलिटी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा हमें वक्त चाहिए। फिलहाल अभी डाकघर में आपको रेल टिकट ही मिलेगा। स्टेशन पर क्राउड कम करने के लिए डाकघर से IRCTC ने करार किया है और उसके बदले दोस्तों जो टर्म एंड कंडीशन है डाकघर वालों को बता दिया गया है। और रेल यात्रियों से उन्होंने बस इतना बोला कि आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनका ऐसा कहना है। तो एक्स्ट्रा चार्ज में दोस्तों लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, कोई टिकट निकाले तो जाके पता चले, या फिर मैं कोशिश करूँगा एक दिन जाके टिकट निकलवाऊँ तो उससे रिलेटेड दोस्तों मैं आपको वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये छोटी सी अपडेट देने वाला था कि जो रेलवे है दिवाली को देखते हुए, छठ पूजा को देखते हुए पूरी तरह से जोरों धोरों से तैयारी में लगी हुई है। स्पेशल पे स्पेशल ट्रेनें निकाल रही हैं, जो ट्रेनें COVID-19 स्पेशल थी उनकी ट्रिप बढ़ा के दिवाली स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल के नाम पे दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों आपसे प्राइस थोड़ा ज़्यादा रेलवे ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट आपको मिल जा रहा है। अगर आपके पास बैटिंग टिकट है तो आपको टिकट कन्फर्म मिल जा रहा है, या फिर ऐसी ट्रेनें जिनमें बैटिंग लिमिट से ज़्यादा है उसमें अलग से एक्स्ट्रा कोचेस लगा के वो बैटिंग टिकट कन्फर्म करने की कोशिश कर रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे पूरी तैयारी कर रही है या फिर कर चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही छोटी सी अपडेट देने वाला था कि अब आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे, इंडियन पोस्ट ऑफिस पे, अब आपको टिकट बुकिंग की फैसिलिटी मिलेगी। बहुत से जगह पे सर्विस ऑन हो चुकी है और बहुत से जगह पे हो सकता है सर्विस ऑन नहीं हुई हो, मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हो सकता है कि आपके यहाँ पे ये सर्विस अभी नहीं चालू हुई हो, तो बहुत जल्द दोस्तों चालू हो जाएगा। आपको स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से जाके कन्फर्म तत्काल टिकट या फिर 4 महीने वाली जो एडवांस बुकिंग होती है रिजर्वेशन टिकट, आप उसमें 100% निकलवा सकते हैं। आपको काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वही अगर आप घर बैठे ऑनलाइन निकालें तो इससे अच्छी फैसिलिटी कुछ है ही नहीं। आपको केवल 11 रुपये कन्वेशन फीस एक्स्ट्रा देना पड़ता है बस। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी अपडेट देने वाला था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं। वही अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।